हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे डी टू प्लस बी मैथ्स के लिए एक टॉपिक विच इज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम ये देखेंगे कि किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी का हमें कैसे पता चलता है। जैसे कई बार हमें बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाता है क्वेश्चन में और पूछा जाता है कि बताइए ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो फिर वहाँ पे उस टाइम पे अगर हम वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करें और उसको डिवाइड करके देखें तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इसकी ट्रिक ये होती है कि हमें शॉर्टकट्स पता होनी चाहिए कि किसी चीज़ की डिविजिबिलिटी, किसी कितने भी बड़े नंबर की डिविजिबिलिटी हम 1-2 सेकंड में देखकर ही कैसे बता सकते हैं। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कि कोई जो संख्या है, कोई जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो उसे देख के कैसे पता चलेगा बिना डिवाइड करे। तो देखो क्या है कि व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज ईदर 0 और इवन, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है, अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 है या फिर लास्ट डिजिट इवन है, तो ऐसे में वो नंबर डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। तो लास्ट डिजिट अगर 0 या इवन है तो वो नंबर डिवाइड होगा 2 से। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 में सिंपल सा रूल है, वो नंबर तभी 3 से डिवाइड होगा अगर उस नंबर के इंडिविजुअल डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है 1233, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये जो सारे डिजिट्स हैं 1, 2, 3 और 3, इनको ऐड करें, ऐड करके जो नंबर आया अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने यहाँ पे किया 1 + 2 + 3 + 3, 9 आ गया और हमें पता है 9 तो डिविजिबल होता है 3 से। बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 के बारे में, यानी कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये हमें कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर 4 से तब डिवाइड होगा जब उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो, यानी कि जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि अगर उस नंबर के लास्ट में 2 0 हैं या 2 से ज़्यादा 0 हैं तो भी वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 4300, इसमें लास्ट में 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये नंबर डेफिनेटली 4 से डिवाइडेड होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल ये है कि अगर वो पर्टिकुलर नंबर 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 2, यानी 3 और 2 दोनों से डिवाइड अगर होगा तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे 18 हो गया, 36 हो गया, ये दोनों 3 और 2 दोनों से डिवाइड होते हैं। इसके बाद बात आती है डिविजिबिलिटी बाय 8 की। तो अगर हम डिविजिबिलिटी बाय 8 की बात करें तो यहाँ पे व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। मतलब जो वो पूरा नंबर है अगर उसकी लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होती हैं तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर उस नंबर के लास्ट में 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट्स जो हैं 0 होती हैं तब वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। यानी कम से कम उसमें 3 डिजिट्स लास्ट की 0 होनी चाहिए तो भी वो नंबर 8 से डिवाइडेड होगा। डिविजिबिलिटी बाय 9 का रूल ये होता है कि अगर उन जो वो नंबर है उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। इट इज़ सेम लाइक डिविजिबिलिटी ऑफ 3। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के। डिविजिबिलिटी बाय 11 कैसे होगा? तो 11 का होता है व्हेन द सम ऑफ डिजिट्स एट ओड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल और डिफर बाय नंबर डिविजिबल बाय 11, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। कहने का मतलब यह है कोई भी एक नंबर है, तो चलो एक एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं। अगर हमारे पास नंबर है 2, 3, 6, 4, 5, 3, तो ये हमारे पास नंबर है। इस नंबर में जो ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे तो 1st, 3rd और 5th। तो यहाँ पे 1st, 3rd और 5th का जब करेंगे सम तो कितना आएगा, 2, 6 हो जाएंगे 8, 8 और 5 हो जाएंगे 13। तो अब यहाँ पे अगर हम इवन प्लेस का सम करें तो ये हो जाएगा 3 + 4 = 7, 7 + 3 = 10, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे 10, पर यहाँ पे देखा जाए तो ना तो ये दोनों इक्वल हैं और दूसरी बात ना ही इनका जो डिफरेंस है वो 11 से डिवाइडेड है, इसलिए यहाँ पे ये जो है डिविजिबल नहीं होगा नंबर। तो ये है डिविजिबिलिटी बाय 11। तो आज हमने देखे डिविजिबिलिटी के रूल्स। अगले लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।